अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अलीम फ्रॉम स्किल्स अकेडमी। इस वीडियो में हम सीखेंगे पेज कोड्स और उनके मीनिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले 1XXS मतलब इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेज, उसके बाद 2XXS मतलब सक्सेस, और उसके बाद 3XXS मतलब रिडायरेक्शन, और उसके बाद 4XXS मतलब क्लाइंट एरर्स, और उसके बाद 5XXX और उसके बाद 5XXS मतलब सर्वर एरर्स। तो सबसे पहले 200, तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो आपका पेज है वो बिल्कुल ठीक लोड हुआ है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले 200 इसका मतलब ये है कि आपका पेज बिल्कुल नॉर्मल लोड हुआ है और बिल्कुल सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं और उसमें कोई इश्यूज नहीं है। तो 301 जो है वो बेसिकली गूगल को भी ये बताता है कि अब ये किसी और जगह पे लिंक मूव हो गया, तो जितने भी बैक लिंक इस पेज को मिल रहे हैं उन सब का जूस अब किसी और पेज को ट्रांसफर हो जाए। 302 पेज जो है बेसिकली ये गूगल को ये बताता है कि आप लिंक चूज पास ना करो और ये पेज जो है ये टेम्परेली बंद हुआ है और थोड़ी देर बाद ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा। उसके बाद 404 इसका मतलब ये है कि जो पेज है वो टेम्परेली डिलीट हो गया है और वो रिस्टोर हो सकता है फ्यूचर में। उसके बाद 410 बेसिकली गूगल को ये बताता है कि ये पेज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है और आप इसको गूगल से डी इंडेक्स कर दो, मतलब रिजल्ट में ये शो ना हो। उसके बाद स्टेटस कोड 500, 500 का मतलब ये है कि आपका जो होस्टिंग का सर्वर है उसके अंदर कोई इशू आ गया और आप उसे जल्दी से फिक्स करें। और उसके बाद सर्विस, और उसके बाद स्टेटस कोड 503 इसका मतलब ये है कि वो थोड़ी देर के लिए मेंटेनेंस के लिए हो सकता है। उसके बाद स्टेटस कोड 503 इसका मतलब ये है कि सर्वर जो है वो मेंटेनेंस या ओवरलोड की वजह से थोड़ी देर के लिए डाउन चला गया है और अभी थोड़ी देर बाद वो रिस्टोर हो जाएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट कोड, आपने इन्हें याद रखना है। और अगर किसी वेबसाइट कोड चेक करना हो तो उसके लिए हम जाएंगे क्रोम में और यहाँ पे लिखेंगे https://status.io, यहाँ पे वेबसाइट का नेम लिखते हैं, यहाँ पे लिंक पेस्ट करेंगे, उसके बाद चेक स्टेटस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टेटस कोड शो हो रहा है 200, मतलब ये ओके है, इसका कोई इशू नहीं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, उम्मीद है आपको नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अल्लाह हाफिज़।